जो पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस, बलोचिस्तान, जो बाकी जिन भी हम जिन लोगों से मिले हैं उनको हम आइडिया हमने दिए हैं कि यहाँ की पुलिस फोर्स कैसे काम करती है और वहाँ पे न्यूयॉर्क की पुलिस फोर्स वे कैसे काम करती है। ट्रेनिंग से लेके फॉरेंसिक साइंस और एविडेंस कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन और स्पाइंग में वहाँ से गाइडेंस मिल सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है। हमारे पुलिस के चैलेंजेस होते हैं, चाहे अमेरिका में हों, चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे किसी और कंट्री में, हमारे चैलेंजेस जो हैं वो सेम ही होते हैं। आपस में बहुत सारे इश्यूज पे इंटरेक्ट करके हम सबको बहुत अच्छा लगा है। इनके पास अगर हमें सीखने का मौका मिलेगा तो उससे हमारे मुल्क की बेहतरी होगी। पाकिस्तान का हमारा ट्रिप जो है बहुत कामयाब रहा है। बेसिक जो मकसद था इस ट्रिप का वो ये था कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका आपस में मेल जोल हो। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ की पुलिस फोर्स कैसे काम करती है और वहाँ पे न्यूयॉर्क की पुलिस फोर्स वे कैसे काम करती है। यहाँ पे आने का मेन मकसद यही था कि जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकें, जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सकें। जैसे कम्युनिटीज़ को हम न्यूयॉर्क में सर्व करते हैं वैसे ही जो पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस, बलोचिस्तान, जो बाकी जिन भी हम जिन लोगों से मिले हैं उनको हम आइडिया हमने दिए हैं कि हम लोग अपनी कम्युनिटी को अपने नज़दीक कैसे कर सकते हैं जिसमें आपकी कम्युनिटी आपकी मदद करे, डिस्टेंस नहीं हो कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान। कम्युनिटी जो है वो फ़ख्र करे कि ये लोग हमारे लिए सर्व कर रहे हैं ना कि हमारे दुश्मन हैं। जब हमारे पुलिस के चैलेंजेस होते हैं चाहे अमेरिका में हों, चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे किसी और कंट्री में, हमारे चैलेंजेस जो हैं वो सेम ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ है वो इसका मैं इधर ज़रूर कहना चाहूँगा और ये मैसेज जो है अवाम के लिए भी है और पोलिटिकल लीडरशिप के लिए भी है। अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा मैटर करती है एक ऑफिसर के बिहेवियर में और उसकी प्रोडक्टिविटी में। तो इस चीज़ को जो है ना उसको इन ऑफिसर्स को, क्योंकि मैंने इन दो वीक में ये देखा है कि दे आर वर्किंग टायरलेसली, ये जो है ना काम कर रहे हैं अराउंड द क्लॉक। तो इसमें कोई इस तरह का इनका स्केड्यूल होना चाहिए कि जिसमें ये अपनी फैमिली को भी टाइम दें और वर्क को अच्छी तरह फिर ये कर सकेंगे जब फैमिली को टाइम देंगे और अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को ये करेंगे। तो देखिए अभी तो ये स्टार्ट है, हमारा पहला इंटरेक्शन है, इसके बाद कुछ प्रपोजल्स वो अपने एक्सपीरियंस और अपने वसायल रिसोर्सेज की बुनियाद पर हमें आगे पुट फॉरवर्ड करेंगे। उसमें से हमें अपनी सीनियर हायरार्की में उनके नोटिस में भी लाना है कि क्या क्या किन किन चीज़ों पे मे बी के वी आर गोइंग टू गो फॉर एन MOU, हम किसी MOU तक पहुँच जाएँ जो कि ओवरऑल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आइंदा के लिए बेहतर हो। और एंडलेस इज़ द फील्ड, यहाँ ट्रेनिंग से लेके और फॉरेंसिक साइंस और एविडेंस कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन और स्पाइंग, इतनी फील्ड्स हैं जिसमें कोऑपरेशन और हमें वहाँ से गाइडेंस मिल सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है। प्राइमरली तो मुझे जो परसेप्शन मिली है उसमें हम क्राइम टैकलिंग पे, एटीट्यूड पे और उनकी एक सोशियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कैसे जेस्चर्स मुझे उनके साइंस नज़र आए हैं, जिसमें हम फर्दर ट्रेनिंग और फर्दर सेमिनार्स की तरफ हेड ऑन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक डेलीगेशन जो कि स्पेशली पाकिस्तान के विज़िट पे है, उसको यहाँ पे गुजरात में हमारे यहाँ के एक बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं शहजाद वडैत साहब, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और डेलीगेशन के साथ यहाँ पे लंच था। उनसे इंटरेक्ट करके और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और आपस में बहुत सारे इशूज़ पर इंटरेक्ट करके हम सबको बहुत अच्छा लगा है। और इस तरह के डेलीगेशन अगर आते रहेंगे और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग मिलते रहेंगे तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी एक अच्छा इंटरेक्शन भी होगा और इसके साथ साथ आइडियाज़ भी शेयर होते हैं और आपस में एक कोऑर्डिनेशन और एक कनेक्शन जो है वो भी मजबूत होता है। तो आज के इस स्पेशल लंच का अरेंज करने पर हम शहजाद वडैत साहब के मशहूर भी हैं कि उन्होंने वहाँ के न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के डेलीगेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इनवाइट करके एक बहुत अच्छा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है और इनका और हमारी गवर्नमेंट का इस तरह के मामला चलने चाहिए कि आगे जाके बेहतरी आ जाए। जो उनके पास है अगर हमें सीखने का मौका मिलेगा तो उससे हमारे मुल्क की बेहतरी होगी। चूँकि ये लोग इसमें मेरे अजीज़ रिलेटिव मौजूद थे इस ग्रुप में, मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें आके गुजरात में कुछ गाइडलाइन दी जाएँ और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से रिक्वेस्ट की वो भी आएँ और आके अपने मामला जो है ना इनके साथ शेयर करें, जिसकी वजह से आज का ये जो प्रोग्राम है ना ये उसी वजह से हुआ है। और पाकिस्तानी और न्यूयॉर्क कम्यूनिटी का एक बड़ा खूबसूरत हमने कोशिश की है प्रोग्राम करने की। इसमें सबसे ज़्यादा जो कोशिश है ना वो मेरे बड़े भाई और मेरे लीडर चोई सालक साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि इनको गुजरात ज़रूर आना चाहिए और हमें आगे अपने हालात और मतलब अपने तजर्बे से जो है ना मुस्तफीद होना चाहिए।
Bye.